Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will learn NCERT English class 3rd unit 1st chapter number 1. The chapter name is Good Morning. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. Do you like to wake up in the morning? क्या आपको सुबह जल्दी उठना पसंद है? See what the child is in the poem feels. देखो इस पोयम में एक जो चाइल्ड है, ये जो बच्ची है, वो क्या फील कर रही है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. गुड मॉर्निंग द स्काई, गुड मॉर्निंग द सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड्स दैट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज. तो यह जो छोटी बच्ची है वो क्या कर रही है, गुड मॉर्निंग कर विश कर रही है. किसको? स्काई, आकाश को, सन, सूरज को, लिटिल विंड्स जो हल्की हल्की सुबह हवा चलती है उसको, बर्ड्स पक्षियों को, ट्रीज पेड़ पौधों को. ठीक है, एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीस. क्रीपिंग ग्रास मतलब बढ़ती हुई छोटी छोटी घासों को, ब्राउनी बीस मतलब भूरी मधुमक्खियों को. ठीक है, वो क्या कर रही है, गुड मॉर्निंग विश कर रही है. नेक्स्ट, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वाज डे. अब वह जो है आप लोगों से क्वेश्चन करती है कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है. ठीक है, दिन हो गया है. हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन, और तुमको कौन बताता है कि नाइट जो है वो चली गई है. ठीक है, नेक्स्ट, आई एम वाइड अवेक. अब कहती है कि मैं पूरी तरह से जाग गई हूँ. आई एम अप नाउ, अब मैं उठ भी गई हूँ. ठीक है, आई बी राइट आउट टू प्ले विथ यू. अब मैं जो है तुम्हारे साथ थोड़ी देर में खेलने के लिए आ जाऊंगी. ठीक है, इस पोएम को किसने लिखा है, इस पोएम को लिखा है फैनिन आर बकनन ने. ठीक है, इसके कुछ न्यू वर्ड्स हैं. क्रीपिंग धीरे धीरे बढ़ना, जैसे घास धीरे धीरे बढ़ती है. अवेक जागना, गॉन अवे चले जाना. ठीक है, नेक्स्ट है, अपन एक्सरसाइज करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द चाइल्ड इन द पोयम हैप्पी. इस पोयम में बच्चा क्यों खुश है? बिकॉज सी कैन नाउ टॉक एंड प्ले विद द स्काई, सन, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज. क्योंकि वह जो है अब आकाश से, सूरज से, विंड्स हवा से, बर्ड्स पक्षियों से, ट्रीज पेड़ पौधों से, ग्रास घास से और मधुमक्खियों से बात कर सकती है और उनके साथ खेल सकती है. ठीक है, नेक्स्ट, टू हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग. जो बच्ची है वो गुड मॉर्निंग किसे कहती है, किस किस से कहती है. ठीक है, तो द चाइल्ड सेड गुड मॉर्निंग टू द स्काई, सन, विंड्स, बर्ड, ट्रीज, ग्रास एंड बीज. जो बच्ची है वह है गुड मॉर्निंग किसको किससे बोल रही है, स्काई से, आकाश से, सूर्य से, विंड्स हवा से, बर्ड्स पक्षियों से, ट्रीज पेड़ पौधों से, ग्रास घास से और बीज मधुमक्खियों से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू. बच्ची जो है क्या चाहती है, तो द चाइल्ड वांट्स टू प्ले, द चाइल्ड वांट्स टू प्ले विथ स्काई, सन, विंड्स, बर्ड्स, ट्रीज, ग्रास एंड बीज. जो बच्ची है वह सूर्य, हवा, पक्षियों, पेड़ पौधों, ग्रास और मधुमक्खियों के साथ खेलना चाहती है. ठीक है, नेक्स्ट,
टक टाइम, इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, एट नाइट गुड नाइट, और रात में मैं गुड नाइट बोलती हूँ। आई अ डॉग सेज भौं भौं, कुत्ता जो है भौं भौं करता है। काउ सेज मू मू, और जो गाय है वो मू मू करती है। से गुड मॉर्निंग इन योर ओन लैंग्वेज टू, आपको अपनी भाषा में गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है? तो आप जैसे बोलते हैं योर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ठीक है, राधे राधे, राम राम, जो भी आप करते हो, ठीक है? और आप टीचर से क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग या नमस्ते, ठीक है? नेक्स्ट है, हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव टू स्कूल इन द इवनिंग, आप जब शाम को स्कूल से जाते हैं तो कैसे विश करते हैं उनको। वी विश देम, हम जो हैं टीचर और फ्रेंड्स को कैसे विश करते हैं, बाय बाय या हैव अ गुड डे, ठीक है। से अलाउड, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच इज राइम विथ, राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढना है। तो बीच का ट्रीज, डे का अवे, टू का यू, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट अ नाइट, ठीक है। तो आप दिन के समय में क्या देखते हैं और रात के समय में क्या देखते हैं। ड्रॉ इन द टू बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर, तो आपको यहाँ पे डे टाइम का पिक्चर बनाना है और कलर करना है, यहाँ पे नाइट टाइम का पिक्चर बनाना है और कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन, आपने जो दो पिक्चर बनाया है उससे दो दो वर्ड्स लिखना था, ठीक है। तो डे टाइम में आपको क्या क्या दिखा, नाइट टाइम में क्या क्या दिखा। तो डे में सूरज दिखा, सन, वर्ड्स पक्षी दिखे, बटरफ्लाइज मतलब तितलियाँ दिखीं, नाइट में स्टार्स दिखे, तारे, मून, चंद्रमा दिखा, फायरफ्लाइज जुगनू जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टीम टाइम, ठीक है, डिनर, डिनर जो आपका रात का भोजन होता है, ठीक है। दिस इज मड, यह मड है। अ बिग फैट वर्म लिव्स इन द मड, यह जो मोटा सा वर्म है, कीड़ा है, वो मिट्टी में रहता है। अ लीफ फॉल्स इन द मड, जब पत्तियां नीचे गिर जाती हैं मिट्टी में, इट इज द वर्म्स डिनर, वह जो है क्या हो जाता है, इस वर्म का डिनर हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम ग्रुप, ग्रुप से, टेल ईच अदर एन इंटरेस्टिंग थिंग, आप ग्रुप से एक दूसरे से इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए। यू हैव सीन इन द गार्डन वन डे, आप जो हैं गार्डन में देखते हैं जो, ठीक है। सॉन्ग टाइम क्या है, आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, जब सूरज शाइनिंग करता है तो मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। ट्रा ला ला ला, ट्रा ला ला ला, ठीक है। आई लाइक टू सिंग व्हेन द सन इज शाइनिंग, मुझे जो है जब शाइनिंग होता है सन, तब गाना अच्छा लगता है। ट्रा ला ला ला, ट्रा ला ला ला। आई थिंक दिस पोएम इज फिनिश हियर, यदि आपको यह पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेसन के इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।